नमस्कार जी, स्वागत है आपका। बहुत दिनों से लोगों ने कहा था कि इंजन को क्लीन करना है, इंजन को क्लीन करना है। तो आपकी कोई सी भी गाड़ी हो, आप इंजन को क्लीन कर सकते हैं, जैसा मैं बता रहा हूँ। सिंपली जितने भी आपको कपलर लग रहे हैं उनमें आप पन्नी लगा दीजिए, खासकर अल्टरनेटर के आसपास। के लिए करना क्या है, आपके पास नॉर्मली ब्रश होना चाहिए, माइक्रोफाइबर टॉवल होना चाहिए और आपकी मेहनत होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बैटरी का टर्मिनल निकाल देना है। मैंने तो बैटरी ही निकाल दी वो बैटरी रखी हुई है, वो उस पर कुछ काम चल रहा था, उसकी वीडियो मेरे ख्याल से आपको पहले ही मिल जाएगी। तो बैटरी का टर्मिनल निकाल दें। जैसे ये बॉर्डर लाइन है ना, तो बॉर्डर लाइन पे आप दो टाइप के फाते हैं आपके गार्डन के, तो एक ये हो गया, एक वो पड़ा है। इन दोनों का आप यूज कर सकते हैं। इनमें मिक्सर क्या यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले जान जाइए कि जैसे ये साइड हो गई आपकी, ये साइड हो गई, इनमें जनरली आपके कोई सेंसर या कुछ होता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा होती है तो मामूली सी हेडलाइट की वायरिंग होती है। तो सबसे पहले तो इधर किनारे किनारे पे आप क्लीन कर लें। क्यों क्लीन कर लें, क्योंकि जब आप पहले इंजन साफ कर लोगे और फिर इधर क्लीन करोगे तो छींटे इधर जाएंगे। तो पहले आप इधर क्लीन कर लो, थोड़े बहुत इधर के छींटे इधर आ जाएंगे तो हल्का फुल्का पानी पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो साफ़ हो जाएगा। पन्नी कहाँ कहाँ लगानी है तो EGR पे लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ से सॉकेट होता है। इधर पीछे साइड पे कनेक्शन रहता है अल्टरनेटर का, उसको ढक दीजिए। और खासकर सामने साइड पे पंखी होती है, उससे तार आपकी विजिबल रहती है तो उसको ढक दीजिए। उसके बाद बूस्ट सेंसर को आप पैक कर दीजिए, कॉमन रेल सेंसर है उसको पैक कर दीजिए, और अपने पंप सेंसर को पैक कर दीजिए। एक नीचे और सेंसर है, पर चूंकि अपन लोग बरसात में पानी गाड़ी चलाते हैं तो पानी डायरेक्ट यहाँ से जाता है, तो सेंसर को इतनी दिक्कत होगी नहीं। मेन आपको क्या बताना है, बूस्ट सेंसर, कॉमन रेल सेंसर, इंजेक्टर में सेंसर्स नहीं होते, वो डायरेक्ट करंट पास करता है, तो गाड़ी सूख जाएगी तो वो सही ढंग से काम करेगा। इंजेक्टर में आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो फ्यूल सेंसर ऑलरेडी नीचे रहता है, वाटर इन फ्यूल सेंसर, और वो वाटर के लिए बना है, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। यही मेन सेंसर है, और खासकर क्रैंक सेंसर वहाँ नीचे साइड पे है, क्रैंक सेंसर पे भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे भी पानी उसका पड़ता रहता है, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। मेन इन जो सेंसरों को है ना, खैर इनमें भी पड़ती है और इसको भी आप डायरेक्ट धुल सकते हैं, पर आपको बहुत टाइम लगेगा और रिस्क थोड़ा सा है, ऐसे करने पे आपको रिस्क नहीं रहेगा। तो मैं साइड साइड के कर दूँ, जिससे आपको ये एक साइड पर किया था तो फिर मैंने देखा कि नहीं यार इस पर पड़ रहा है, तो मैंने कहा पहले पैकिंग कर दूँ फिर करता हूँ। तो आप इन्हीं सब चीज़ों को पहले गौर कर लें। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, इस पे आपका पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नीचे फिल्टर है और काफ़ी ये विजुअल है, तो पानी आपको इस साइड और इस साइड डालना है, इसके बीच में नहीं डालना है। अब साफ करने की वाली है तो किनारे किनारे हम साफ कर देंगे, पानी डाल देंगे, और जहाँ तक है आपको हाइपर लैप्स ही मिलेगा, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। Check the mic and make sure it sound right, boys. मेरी गाड़ी साफ ही रहती है। अब ये पुराने दाग हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, तो अब ये जो कचरा है ना, इनको मैं सोच रहा हूँ कि अभी डीजल से ये साफ करूँगा, फिर डिटर्जेंट का यूज करूँगा, और जो अपने प्लास्टिक लगे थे ना वो सभी सही हैं। तो पावर प्लस वालों का तो काफ़ी आसान है, सेंसर्स पूरे चेक कर लें, उन पर लगा दें। अभी मैं इसकी और डीजल से क्लीन करूँगा, वो मैंने डीजल निकाल दिया है। साफ करने से पहले डीजल ज़रूर निकाल लें, नहीं तो फिर मेरी तरह फिर से आपको बैटरी लगानी पड़ेगी, फिर लगाना पड़ेगा। अपना इंजन साफ हो चुका है कह सकते हैं। फिलहाल अपनी गाड़ी अगर आप टॉप व्यू से देखें तो काफ़ी ज़्यादा साफ हो चुकी है। आपको ये गाड़ी उतनी साफ नहीं दिखेगी, उसका कारण एक ही है, ये गाड़ी ऑलरेडी साफ थी, पूरी धूल से ढकी होती तो एक बार बात अलग थी।
आप ऐसे ही साफ कर ले, बीच बीच में जब साफ करता हूँ तो मैं सर्फ एक्सल या किसी भी प्रकार के डिटर्जेंट का यूज करता हूँ कि डीजल और डिटर्जेंट के कॉम्बिनेशन से साफ होता है, साफ होता है। सबसे ज़्यादा कॉमन रेल प्रॉब्लम कर रही है, तो जितना हो सका है मैंने उतना साफ़ कर दिया है, आप देखोगे। और ये पाइपें मैं निकाल सकता था पर मैंने निकालना नहीं है। दूसरी चीज़ आपकी गाड़ी में और साफ दिखेगा, क्योंकि मेरी गाड़ी ये पेंट थी और जब उन्होंने पेंट किया था तो मेरे ख्याल से इतना अच्छा इसको ढका नहीं था, तो कहीं कहीं पे स्पॉट्स हैं तो इसके कारण उतना क्लियर नहीं है। फिर भी लगभग बहुत अच्छा साफ है। ये आप ये जो देख रहे हो ना वाइट कलर का, ये एक्चुअल में ये इसी प्लास्टिक की पट्टी है। ये ऊपर से वो ख़राब जब हो जाती है तो ये वाइट कलर के स्पॉट्स छोड़ देती है। तो आप अगर शुरुआत से कर रहे हैं ना तो प्रॉपर है, पावर प्लस हो किसी में हो, मैंने आपका सेंसर पूरा बता दिया है, आप उसी तरीके से साफ़ कर सकते हो। जहाँ पे हाथ नहीं पहुँचता वायर को खींचने की ज़रूरत नहीं है, मेटल ब्रश ले लीजिए, मैंने तो नॉर्मल स्क्रबर से और ये आपका इस ब्रश से काम कर लिया है अच्छे तरीके से। वैसे ये नट वट जो है वो काफ़ी अच्छा साफ हो गया है, ये भी अच्छा साफ हो गया है, नीचे देखोगे अच्छा साफ हो गया। होस जरूर नहीं साफ है क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने इसको बहुत साफ किया था, बल्कि खोल के साफ किया था, तो भी ये इसी टाइप से दिख रही है। एक बात और बता दूं मैं, जब भी इंजन साफ करें ना या कभी भी साफ करते हैं तो इसको ज़रूर साफ करिएगा। ये देखो, ये आप जिनके पास पावर प्लस है, M2DI, CRDI, इनमें ये रबर सबसे ज़्यादा जंग लगाती है। तो अगर आपने आज तक साफ नहीं किया तो फर्स्टली साफ करिएगा। इसकी वीडियो आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा। भाई साहब 4 बज गए हैं, अभी जाऊंगा नहाऊंगा। इसमें मेरे को इतना सेटिस्फेक्शन नहीं हो क्योंकि मैं ऑलरेडी गाड़ी क्लीन रखता हूँ। जिनकी गाड़ियों में बहुत ज़्यादा कचड़ा है वो इसी तरीके से, ये जो दिख रहा है मिक्सचर, इन तरीक़ों से साफ कर सकते हैं। जहाँ पर एक्सेस हो करिए, आपको चमकाना नहीं है कि बेचना है आपको गाड़ी को, अपने सेटिस्फेक्शन के हिसाब से अपना क्लीन कर दीजिए। और हाँ, अभी इस गाड़ी को मैं पूरा दिन इस गर्मी में रखूँगा, खुला छोड़ के शटर बंद कर दूँगा, ऐसे खुला रहेगा तो ये सूख जाएगा कल तक में। तब मैं कल या नहीं तो जिस दिन मेरे को गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे परसों नरसों या 4 दिन बाद 5 दिन बाद, उस टाइम पर मैं इस गाड़ी को यूज करूँगा, मतलब बैटरी लगाऊँगा। आप लोग कह रहे थे ना क्लीन करो क्लीन करो, लीजिए आज मैंने कर दिया। एक चीज़ और देखिए, पन्नी लगाने का नतीजा, ये अभी थोड़ा सा पन्नी निकालूँ तो थोड़ा सा पानी चला गया, नहीं बिल्कुल ड्राई है, ये भी ड्राई है, कॉमन रेल पूरा ड्राई है, पंप भी, पंप का भी ड्राई है, देखोगे आप बिल्कुल ड्राई है। और इस पे तो ऑलरेडी कवरिंग रहती है तो इसको फ्यूज बॉक्स को आपको ढकने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इंजन बिल्कुल क्लीन हो चुका है, आज दूसरा दिन है, बैटरी लगा दिया है, गाड़ी भी स्टार्ट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। ये देखिए बैटरी प्रॉपर काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट है गाड़ी, काफ़ी इंजन क्लीन हो चुका है। मैं सेटिस्फेक्शन, मैंने पाइप उल्टा पुल्टा कनेक्शन हुआ था पहले, तो अब जाके मैंने सब सही कनेक्शन किया है, जितने भी वायर इंजेक्टर की है वो नीचे कर दी है। एक बात बताऊँ, जिनमें कैप आती है ना या इंसुलेशन वाले पैड्स आते हैं, उनमें ये चीज़ अच्छी रहती है कि उनमें प्लास्टिक पार्ट ज़्यादा रहते हैं तो उनको साफ़ करके अपन पॉलिश कर देंगे तो गाड़ी चमकने लगती है। इसमें क्या है कि पूरा का पूरा कास्ट आयरन ज़्यादा यूज हुआ है, जो कास्ट आयरन है ना वो एक रफ होता है, तो जितना आप साफ करोगे उतना गंदा दिखेगा। जैसे मैंने इसको साफ किया है तो सिर्फ इसी बस में कलर दिखा है, बाकी किसी में। पावर प्लस भी आप ऐसे ही साफ कर सकते हैं, आपको सेंसर सब चीज चेक करना है, मतलब सेटिस्फेक्शन है। कल मेरे को नहीं था क्योंकि मेहनत ज़्यादा लगी थी, आज मेरे को थोड़ा सा साफ दिख रहा है, मतलब अच्छा दिख रहा है। तो आप ऐसे ही कर सकते हो, माइक्रोफाइबर टॉवल हो ठीक है, नहीं है घर में सूती टॉवल यूज करो, उसको साफ करने के लिए ब्रश ले लो आप छोटा सा, उससे भी काम हो जाएगा। वो जब आप करोगे ना तो आपको नीट पता चलती जाएगी, ब्रश हो गया, वायरिंग ब्रश हो गया, डीजल, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उससे साफ कर सकते हो। इंजन धोए मेरे को करीब 1 महीने हो चुके हैं, उस बाद से मैंने कपड़ा नहीं लगाया और ये हालत देखिए, ये अब ये आप पे है। तो इस वीडियो में यही तक था, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और धन्यवाद आपसे भी।